पूछती है कभी कभी कि मम्मी क्यों पापा भगा दिए हम लोग को, तो हम बोल देते हैं कि हम लोग को दादी और बुआ लोग नहीं पसंद करती थी, तो वो लोग बोली पापा को भगाने के लिए, पापा भगा दिए। और मौली पूरा डरी हुई है कि उसको इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि हमेशा बोलते थे ना कि बदमाशी करोगी तो इंजेक्शन लगेगा, तो अभी बोल रही है मम्मा इंजेक्शन नहीं दिलवाना हमको, इंजेक्शन ये मोहल्ले के लिए, तो जा रहे थे तो बोले चलिए छोड़ देते हैं। तो गाइस निकल गए हम लोग यहाँ से दिखवा करके, और बहुत ज्यादा भीड़ था। भीड़ इसलिए था कि अरे मौसम ही ऐसा कर रहे हैं नहीं। हे एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। तो गाइज अभी क्या है ना कि अभी सुबह का टाइम है और 9:15 बज रहा है, यानी कि मोबाइल दो तो अभी सुबह का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 9:55 और आज डेट है 25 अगस्त। और मौली को जैसे कि पता ही है कि अभी 2-4 दिन से तबीयत इसका ठीक नहीं था, तो क्या हुआ ना कि मेडिकल से दवाई ला के दिए चेंज करके, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और हम शायद ये गलती किए, बच्चा को ऐसे दवाई नहीं देना चाहिए मेडिकल उडिकल से ला करके, अगर खराब लगे तबीयत तो जा करके दिखवा दीजिए। तो मेरे से गलती खैर हुआ है, क्योंकि मेरा बच्चा 4 दिन में एकदम ही अजीब हो गई। और अभी हम इसको लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर के पास, विकास चंद्र के पास। और मौली मौली को तो देख ही रहे हैं आप लोग, स्कूल स्कूल कुछ नहीं जा रही है, क्योंकि स्कूल स्कूल तो ऐसे हम भेजेंगे भी नहीं जब तक इसका तबीयत ठीक नहीं होगा। तो निकलते हैं हम और निक्की जा रहे हैं। क्या एप्पल वो जूस दे दो तो निक्की। तो निकलते हैं अभी हम लोग, और पसीना से मेरा हालत खराब है, नहा लिए है ऐसे ही, लेकिन आ करके फिर से नहाएंगे, बाल धोना था लेकिन धोए नहीं है, अब आकर के करेंगे जो भी करना होगा। तो निकलते हैं, आ रहे हैं ना। पहना दो शूज, पहना दो बेटा, खड़ी उड़ी होगी तो फिर ऐसे ही वहां पे खड़ी होगी। पिंक वाला शूज पहना दे रहे बाबू, ठीक ना पहना। ब्रश ब्रश कराएंगे बेटा, अभी तुम नहीं ना खड़ी रहती। का हाल होगा? कुछ हाल नहीं होगा, सब हाल बढ़िया। लगा लो भैया, बिजी हैं क्या कि चलिएगा? क्या हुआ, आओ बैठो। अच्छा, तो गाइस घर से निकलते ही मिल गए हैं भैया, मतलब ये मोहल्ले के ही हैं, तो जा रहे थे तो बोले चलिए छोड़ देते हैं। और वहाँ पे नंबर लिया हुआ है, कितना हो भैया? चेंज नहीं है। फोन पे? अच्छा, तो पहुंच गए अभी डॉक्टर के पास। और मौसम कल से कुछ खराबी किया हुआ है, बारिश हो रहा है, एक छाता रख लिया है हाथ में कि खुद बचे ना बचे, लेकिन मौली को तो बारिश से बचा ही लेंगे। निक्की मौली को लेकर के गई अंदर, और विकास चंद्र का क्लिनिक, हल्का हल्का बारिश हो ही रहा है। तो पहुंच गए अभी डॉक्टर के पास, विकास चंद्र के पास, और टाइम हो रहा है पता है 9:15। और मेरे से ही गलती हो गया, 10:30 यहाँ पे डॉक्टर बैठेंगे, और बारिश हल्का हल्का हो ही रहा है। और वेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का नंबर है, दिखवा लेंगे यहाँ पे। और मौली पूरा डरी हुई है कि उसको इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि हमेशा बोलते थे ना कि बदमाशी करोगी तो इंजेक्शन लगेगा, तो अभी बोल रही है मम्मा इंजेक्शन नहीं दिलवाना हमको, इंजेक्शन नहीं लगवाना है। और यहाँ पे काफ़ी हद तक भीड़ है, अभी तो खाली भी है क्योंकि, और यहाँ देखिए निक्की के साथ चिपकी हुई है। बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब लगता है कि अपने आप को कुछ हो जाए लेकिन बच्चा सही रहे। तो अभी डॉक्टर बैठते हैं 10:30, हम लोग वेट कर लेते हैं यहाँ पे और आगे दिखाते हैं। तो गाइस निकल गए हम लोग यहाँ से दिखवा करके, और बहुत ज़्यादा भीड़ था। भीड़ इसलिए था कि अरे मौसम ही ऐसा कर रहे हैं नहीं जी, मौसम ऐसा कर रहा है ना कि बहुत बच्चा लोग था यहाँ पे, बहुत बच्चा लोग। खाली है क्या भैया? नवा टोली आओ,
ऑटो तो मिल गया अक्सर, इधर ऑटो बहुत कम ही मिलता है लेकिन मिल गया। अगर यहाँ नहीं मिलता तो फिर आगे से मिलता रेड़मा साइड से। क्या भैया? अच्छा, निकलते हैं घर और डॉक्टर दवाई भी दिए और ब्लड टेस्ट भी बोले करवाने के लिए, लेकिन ब्लड टेस्ट हम लोग बोले कि अभी मौली का हालत बहुत ख़राब हो गया, मतलब बहुत वीक हो गई है, खाना पीना भी बहुत तरीका से नहीं खा रही है, तो बोले कि अभी नहीं, दो चार दिन के बाद भी करवाइएगा तो चलेगा। तो हम बोले दो चार दिन के बाद ही करवाएंगे, निक्की भी बोली ना उनकी। अभी पहुँच रहे घर, घर जा करके इसको कुछ थोड़ा बहुत खिला करके और दवाई वाई खिलाएंगे। पहुंच गए घर, मतलब एकदम पहुंचने ही वाले हैं। ठीक लग रहा ना अभी? हाँ चलो दवाई वही देंगे तो ठीक हो जाओगी। तो गाइस अभी हो गया है शाम और मौली को तो दिखवा के आए डॉक्टर के पास से, अभी वो सोई हुई है। उस वहाँ से आए तो उसको वोमिटिंग भी हुआ और वोमिटिंग हो गया तो एक तरह से अच्छा हुआ और हम उसको डॉक्टर के पास दिखवा दिए, यहाँ के डाल्टनगंज के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर विकास चंद्र। तो दिखवा देने के बाद हम निश्चिंत हो गए कि चलो, और दवाई वही उसको सुबह से फीवर भी नहीं आया है, लेकिन हाँ कुछ खा नहीं रही है तो सुस्ती है उसको, क्योंकि अचानक से तो अब नहीं तुरंत बच्चा खाने होने लगेगा ना, उसको तो टाइम लगेगा अभी। कुछ लोगों का यही सोचना है कि बस हम यही कर सकते थे और हम कुछ आगे कर नहीं सकते, हम हार गए, और मतलब वो चाहते हैं कि हम फाइट करें, हम और लड़े। लेकिन सच बताएं जो यहाँ पे कानून के जानकार लोग होंगे उनको पता है कि लड़ाई वड़ाई करके ना ये ऐसे कोर्ट कचहरी में भाग भाग के कुछ नहीं होने जाना है, मेरे से ज़्यादा पैसा वो दे रहे होंगे वकील उकील को ये सब मैटर में। लेकिन क्या बोले, लोग समझते नहीं है, बात करके बात ख़त्म करना या फिर बात आगे बढ़ाना वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है टाइम रहते हुए। कुछ लोग बहुत एक आठ कोई कमेंट हम देखे जो बहुत नेगेटिव था कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। और ये मेरे कल के वीडियो में है, जो आप आज देख रहे हैं वो कल के वीडियो में आप देखिएगा, कमेंट में नीचे है वो कमेंट कि तुम कुछ नहीं कर सकती थी, तुम हार गई और हो गया तुम्हारा, तुम तो बहुत घमंड में रहती थी कि हम तो जाएंगे हम तो रहेंगे। तो हाँ हम सोच एकदम मतलब मेरा सोचा हुआ था कि हमको तो छोड़ना है नहीं किसी भी कीमत पे, लेकिन समय होता है ना, समय सब कुछ सिखा देता है, बता देता है कि हाँ। फिर हमको अब जाके रियलाइज़ हुआ कि मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा मेंटल पीस ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग का हम कमेंट देखे कि बाप को बेटी से अलग कर दी तुम, हम बोले हम क्या अलग किए बाप को बेटी से। और सच बता रहे मौली पहले बहुत मिस करती थी अपने पापा को, बहुत मिस करती थी, लेकिन इधर कुछ दिन से हम नोटिस किए कि वो ना फ़ोन में जैसे कुछ कुछ देखी, कुछ फ़ोटोज़ देखी, जिस जो हाथ कटा हुआ और वो सब, वो सारा जो फ़ोटो था, तो हमसे पूछी कि मम्मी ये तुम हो, कैसे हो गया। तो पता चला उसको कैसे हो गया। फिर हमसे पूछती है एक दिन कि मम्मी पापा तुमको और हमको क्यों भगा दिए घर से। मम्मी अब बड़ी हो रही है तो पूछेगी ना, उसका तो अंदर का वो जानने का रहेगा ना कि क्यों भगा दिए। पूछती है हमसे, आज भी पूछती है कभी कभी कि मम्मी क्यों पापा भगा दिए हम लोग को। तो हम बोल देते हैं कि हम लोग को दादी और बुआ लोग नहीं पसंद करती थी, तो वो लोग बोली पापा को भगाने के लिए, पापा भगा दिए। तो बोलती है उसके भी मन में आ गया है बहुत कुछ, बहुत कुछ आ गया है। और कल जब उसके पापा उससे मिलने आए थे ना, तो वो जाना नहीं चाह रही थी। कल हम इतना इमोशनल हो गए थे ना, हम वो जो बोली ना, हम बोले कि मौली जाओ बेटा मिल लो पापा आए हैं, तो बोलती हमको नहीं मिलना है मम्मी, हमको प्लीज़ मत भेजो मम्मा, मत भेजो प्लीज़ मम्मा। और रो रही थी मेरी मम्मी, छोटी मम्मी सब सामने खड़ी है, बोलती है नहीं मम्मा प्लीज़ मत भेजो। हम बोले बेटा जाओ ना, उसको लुभाने के लिए हम बोले कि जाओ ना पापा चॉकलेट देंगे, हमको नहीं चाहिए मम्मा, हमको नहीं चाहिए चॉकलेट। ऐसे हम एकदम शॉक्ड हो गए, एकदम शॉक्ड हो गए कि कैसे बोल रही है। उसके बाद क्या बोलती है कि हम बोले कि जाओ बस चेहरा दिखा करके आ जाना पापा को बेटा जाओ, तो बोलती है नहीं हमको नहीं दिखाना अपना चेहरा पापा को, हमको पापा से डर लगता है, हमको चेहरा भी नहीं दिखाना है पापा को। ये सब जब बात हम उसका सुने ना, तब जाकर के हम क्या ही बोले, हम दांतों तले उंगली दबा लिए कि इतना ये सब चीज़ कहाँ से बोल रही है बाबा। फिर हम
खुद ही सोचे, निक्की से भी बैठ के हम बात किए, हम बोले कि देखो ना ऐसे से बोल रही थी यार बाबू, तो बोलती है कि अब वो बड़ी हो रही है, उसको तुम क्या समझ रही हो, उसको समझदारी नहीं आ रहा है क्या, उस सब समझ रही है, सब देख रही है, स्कूल जाती है और बच्चा लोग को देखती है, वो अपने पापा के बारे में बात करता होगा और इसकी फ्रेंड लोग है, तो ये क्या बोलेगी, इसके पापा क्या किए हैं, इसके पापा तो मम्मी को भगा दिए, मम्मी को भगा दिए, मौली को भगा दिए, अब वो अपने पापा को इतना बढ़िया से याद नहीं करती है, और क्या बोलती है कि घर में नानी जी, नाना जी, निक्की मौसी, मम्मी, मौली, बस हम लोग इतने ही हैं, ऐसे बोलती है अब वो। और उसका तबीयत भी ठीक नहीं था कल, तो और इस वजह से भी नहीं जाना चाह रही थी, और हमको बार बार बोल भी रही थी कि मम्मा हमको पापा से डर लगता है, मम्मा हमको पापा से डर लगता है, लेकिन हम क्या बोले। और पता है गाइस, हमको ना आज भी ये चीज़ कन्फ्यूज़न है, आज भी हम बहुत कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है इस चीज़ को लेकर के कि ये मेरे हस्बैंड पे फैमिली प्रेशर है कि वो उनका खुद का डिसीजन है, वो खुद हम लोग से अलग हैं कि इनका परिवार इतना ज़ोर ज़बरदस्ती किया है इन पे। क्योंकि हम अपनी सास का नेचर बहुत अच्छे से जानते हैं, अपना जो मेरा ससुराल वाला है, जो मेरे ससुर हैं, जो उस घर के मालिक हैं, उन लोग का नेचर हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि वो लोग है क्या, किस टाइप का, और अपने हस्बैंड का भी नेचर हमको पता है, इसलिए आज तक भी हम बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूज में है। मतलब अगर हमको कोई ऐसा बंदा मिल जाता ना जो कि कंफर्म कर देता कि हाँ वो खुद ही अलग होना चाहता है, उस पर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, या फिर वो फैमिली प्रेशर में है, तो अब इतना भयानक हम डिसीजन लेते ना अपने लाइफ में कि दुनिया देखते रह जाता और कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई कुछ नहीं कर पाता। हम थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के चलते ना अपने, हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि पता है हम क्या बोले, किसी को अगर हम चाहे है ना तो दिल से चाहे है, दिल से, उसके लिए जब वो हमको छोड़ के गया तो उसके पीछे हम बहुत भागे भी है, और लोग ज़्यादा अगर किसी को करने लगी है ना, चाहे वो कुछ भी हो, रिस्पेक्ट हो या फिर इश्क हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, तो सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं होता है, हजम नहीं होता है, और ये चीज़ सच है। तो ये सारा कुछ अभी भी कन्फ्यूज़न है ये पे, लेकिन हम ना पब्लिक से भी ये चीज़ पूछना चाहेंगे और ये पहले बताना चाहेंगे। कल मेरे हस्बैंड आए थे मौली से मिलने, उनका चेहरा इतना उतरा हुआ था, हम तो नहीं देखे, हम सामने गए भी नहीं क्योंकि हम देखना नहीं चाहते थे, हम मेरा भी मन थोड़ा कहीं कहीं ख़राब है तो हम नहीं देखना चाहते थे, लेकिन और लोग बताएं कि उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, रो रहे थे, मौली में लिपट के रो रहे थे, तो हमको समझ में मतलब ये चीज़ नहीं आया कि कोई भी बाप इतना मजबूर हो सकता है क्या कि वो अपने बच्चे को दूर से ऐसे देख करके लिपट रहा है और उसको वो साथ नहीं रखेगा और अपनी बीवी को साथ नहीं रखेगा। यहाँ पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये फैमिली प्रेशर हो सकता है, क्या उनका परिवार इतना ज़्यादा दबाव दिया है पूरा, क्योंकि पूरा ससुराल वाला एक साइड है, कोई हमको पसंद नहीं करता था, मेरी ननद उनद, और सही जाहिर सा बात है ना कि हो सकता है कि हस्बैंड को उस समय समझ में नहीं आया कि वो हमको, वो मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, तो वो सोचे कि चलो ठीक है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे हम भी अपने लिए स्टैंड लिए, हम भी बोले कि अब हम मारपीट नहीं सहेंगे, तो वो सोचे नहीं होंगे कि बात इतना आगे बढ़ जाएगा और फिर उन पे ऐसा सब लोग उनको मजबूर कर दिया कि वो फिर मजबूर हो ही गए पूरे तरीके से। ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे जितने लोग हैं ना, प्लीज हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये फैमिली प्रेशर हो सकता है, या फिर वो खुद से उनके मन में भी कुछ होगा तभी वो अलग हैं, नहीं तो फिर ये क्या चीज़ है कि बेटी से मिलके इतना रोना, इतना इमोशनल होना, मतलब ये क्या है? ये हम बहुत कंफ्यूज हैं, हम आज भी कंफ्यूज हैं। अगर हमको उनका मन का एकदम मन वाला पता चल जाता ना, तो इतना भागने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, बहुत कुछ क्लियर करने में बहुत बहुत आसानी होता, बहुत आसानी, बहुत इजी होता। हम कभी भी एक बाप को उसकी बेटी से अलग नहीं करना चाहेगा इस, हम कभी नहीं, ये पाप कौन करेगा, चाहे किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दीजिएगा क्या, ये भी पाप है, तो बेहतर था कि साथ में रहो।
अरे कभी कभी ऐसा होता है कि चलो मियाँ बीबी का लड़ाई है, झगड़ा है, तो बच्चे के वजह से लोग ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ठीक है तुमको हमसे मतलब नहीं है, जाओ ना तुम, मेरे जो काम है वो हम कर देंगे, खाना पीना आपके लिए जो बनाना है हम बना बना देंगे, आप हमसे मतलब मत रखिए उतना, लेकिन बीवी है तब तो हम उतना मतलब जो मेरा मतलब हम तो रखेंगे ही आपसे, लेकिन आप बच्चे के चलते एक होके रहिए। मतलब ऐसा भी तो लोग करते हैं ना, होता है ना, दुनिया तो हर चीज़ में लोग को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, लेकिन हम कंफ्यूज है अभी भी है, हम क्या ही बोले, हमको और लोग बोलेंगे कि सही में आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या करना है आगे लाइफ में, तो हाँ है कंफ्यूज ये सब चीज़ को लेकर के। खैर अभी शाम का टाइम है, छत पे हम, मौली सोई हुई थी, उसको बहुत उठाया कि मौली उठो बेटा कुछ खा लो, तो उसको सुस्ती जैसा लग रहा है, बोली मम्मा हम थोड़ी देर के बाद उठेंगे, अभी नहीं खाएंगे, अभी कुछ नहीं खाएंगे, तो हम छोड़ दिए कि उठेगी ना थोड़ी देर के बाद, तो उसको जो मन होगा हम थोड़ा बहुत खिला देंगे, तो उसको अच्छा लगेगा, दवाई वाई भी पिलाना है। तो फिलहाल तो मौसम एकदम अच्छा है क्योंकि बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, तो हम थोड़ा देर बैठते छत पे, और पापा भी घर ही पे, उनका भी तबीयत उबियत पता ही आप लोग को क्या है, बहुत अजीब है यार लाइफ, कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलता है, लेकिन एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, आज कुछ है तो कल कुछ होगा ही होगा, इसलिए भी हम थोड़ा सा हिम्मत बांधे हुए रहते हैं, लेकिन थोड़ा ना आदमी प्यार मोहब्बत के चलते रो देता है, मतलब इमोशंस बाहर निकल जाता है, वो चीज़ तो होता ही है, तो बस यही है। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, और आई होप कि ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सजेशन अपना ज़रूर दीजिएगा, एक एक लोग सजेस्ट कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये मैटर करेगा मेरे लिए, कमेंट करके ज़रूर से अपना सजेशन दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा, क्योंकि मेरा ब्लॉग्स डेली आता है, और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये कुछ नेगेटिव कमेंट था कि हो गया तुम्हारा अब पछतावा हो रहा है, तुमको पहले समझ में नहीं आया था, ये वो बहुत उल्टा सीधा कि अब मतलब सब नेगेटिव वे में ही कुछ कुछ कमेंट हम देखे, तो वो पता ही क्या था, मतलब लोग हमको पता है कि वो कहाँ से कमेंट था, कौन किया था, क्या था, लोग हमको एक तरह से बोलिए कि ललकार रहे हैं कि मतलब तुम बस यही कर सकती थी, यही रोना धोना, और